जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। आज मैं क्रांति उड़ीसा मीडिया की तरफ से आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। विषय का नाम है फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसी विषय पर मैं आज बोलने वाला हूँ। अभी मोदी जी के 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा खत्म कर पहुंचे हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कल भारत के प्रधानमंत्री मोदी को वहां फ्रांस सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। मोदी जी वहां जो 2 दिन की यात्रा पर गए हुए थे, यहां पर जैसे हमारे भारत में 26 जनवरी पर पैरेड आयोजित होती है भारत की राजधानी दिल्ली में, वहां भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में बासिल डे मनाया जाता है। मतलब एक तरह से उसको हम लोग नेशनल डे बोल सकते हैं। वहां नेशनल डे के अवसर पर पैरेड का आयोजन किया जाता है। इस बार की खास बात यह है कि वहां के बासिल डे में, अर्थात नेशनल डे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यह परंपरा हमारे देश में भी है। 1950 के बाद से जब से हमारा गणतंत्र 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यहाँ भी हर साल हम लोग किसी न किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि तौर पर बुलाते हैं और वो लोग आते हैं। फ्रांस के भी राष्ट्रपति एक बार यहाँ आए हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि भी आते रहे हैं। उसी तरह फ्रांस का कल था बासिल डे, अर्थात नेशनल डे। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसके पहले आज तक भी हमारा 76 साल हो गया देश को स्वाधीनता प्राप्त किए हुए। 76 साल में कभी भी फ्रांस सरकार ने भारत के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपने नेशनल डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर कभी भी निमंत्रण नहीं दिया। यह पहला अवसर है भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने निमंत्रण दिया। इससे भी यह साफ जाहिर होता है कि भारत की वर्तमान शक्ति, वर्तमान सारे विश्व में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक इसके साथ साथ उभरती हुई सामरिक व्यवस्था भी है। भारत के कद को सारा विश्व आजकल नमन करने लगा है। उसी को मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री को फ्रांस सरकार ने निमंत्रण दिया था मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए। इसके साथ और एक खास बात यह है कि वहां के जो नेशनल डे पैरेड में हमारे भारत की 3 टुकड़ियां, मतलब नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों वहां पर तीनों हमारी टुकड़ियों में एक एक टुकड़ी वहां पर उनके नेशनल पैरेड में भी शामिल हुई थी। इसके ऊपर भी एक और खास बात है कि उनमें कई एक टुकड़ियों का, उनमें जो 3 टुकड़ी है उसमें एक टुकड़ी का नेतृत्व लेडी आर्मी ऑफिसर ने का नेतृत्व किया था वहां पर। तो ये सब बातों के साथ साथ फ्रांस सरकार ने ये जो नेशनल डे पैरेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर तो बुलाया ही प्रधानमंत्री मोदी को, इसके साथ साथ कल उन्होंने फ्रांस सरकार की तरफ से राष्ट्रपति, वहां के जो राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन, उनकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो फ्रांस ने एक नहीं दो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। मतलब पूरे भारत की जनता को, 140 करोड़ जनता को दिया है। एक तो पहले उन्होंने अपने नेशनल डे परेड में सुबह उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाए थे। वहां नरेंद्र मोदी ने वहां सैल्यूट भी दिया वहां की आर्मी से। दूसरे बार फिर जब वो परेड का रस्म जब खत्म हुई तो नरेंद्र मोदी को फिर वहां सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। अर्थात एक ही दिन हमारे प्रधानमंत्री को दो सम्मान से नवाजा गया। ये एक बात है। वो किस लिए किया गया, अब मैं आता हूं इसके बैकग्राउंड में। हमारे भारत वर्ष में जैसा हम लोग सब जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हुए हैं इतिहास में, क्या कि अंग्रेज यहां पर 200 साल तक काबिज थे, हम लोगों को गुलाम बनाए थे। 200 साल तक पूरे अखंड भारत को उनका शासन था। इसके साथ साथ बहुत लोगों को हो सकता नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं सबके जानकारी में देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज आए थे उसी समय के लगभग यहां पर भारत में फ्रेंच भी आए थे।
और पोर्तुगीज भी आए थे, पुर्तगाल से पोर्तुगीज आए थे, फ्रांस से फ्रेंच आए थे और इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे। जब इनका स्टार्टिंग जो प्रारंभिक दौर था भारत में, अखंड भारत में, तो ये लोग आपस में, ये सारे के सारे व्यापारी कौम है, सारे के सारे तीनों के तीनों में जिनका नाम मिल गया, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड, तीनों के तीनों व्यापारी देश है, व्यापारी कौम भी है। यहाँ तीनों के तीनों यहाँ पर भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से अपने स्वार्थ साधन के लिए, अपना माल बेचने के लिए, यहाँ का माल लूटने के लिए ही आए थे। इन तीनों के जब तीनों के तीनों के चरण यहाँ भारत भूमि पर पड़े, प्रारंभ में वर्चस्व की लड़ाई इन तीनों में आपस में खूब चली, लेकिन अंततः अंग्रेज सबके ऊपर भारी पड़े। इसलिए अखंड भारत के करीब करीब 97-98% हिस्से में अंग्रेज रहे, छोटे से हिस्से में अर्थात गोवा डामन ड्यू हिस्से में पुर्तगाल रहा, और छोटे उससे भी छोटे हिस्से में पौंडीचेरी में फ्रांस रहा। ये मतलब पुर्तगाल सिमट गया गोवा में, फ्रांस सिमट गया पौंडीचेरी में, बाकी शेष अखंड भारत पे अंग्रेजों का ही शासन रहा करीब करीब 200 साल तक। अब आज की परिस्थिति में मैं बता रहा हूं पौंडीचेरी की बात और फ्रांस का कनेक्शन। अभी भी जो हाल में भी जो इलेक्शन अभी भी होते हैं, जो फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अमेरिका के जैसे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट फ्रांस में चुनाव लड़ता है, लेकिन उसके बूथ बनता है भारत में, पौंडीचेरी में भी एक बूथ बनता है। मतलब चुनाव फ्रांस में है, राष्ट्रपति चुनाव फ्रांस में हो रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट जीतेगा, और लेकिन बूथ भारत में भी होता है, अभी हाल तक भी होता है। ये पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव में भी वहां पौंडीचेरी में हुआ था बूथ, मतलब अभी भी जब से फ्रांस सरकार ने वहां अपनी कॉलोनी हटा दी है या भारत का वहां पर राज कायम हो गया पौंडीचेरी में, लेकिन अनेक अनेक सैकड़ों लोग फ्रेंच लोग आज भी पौंडीचेरी में रह रहे हैं, और उनको मताधिकार देने के लिए फ्रांस सरकार ने यहाँ पर भारत सरकार के सहयोग से यहाँ एक पोलिंग बूथ की व्यवस्था हर बार फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शन में करके आए हैं। ये तो हुई फ्रांस के बारे में, मैंने आपको बैकग्राउंड भारत के साथ बताया। अब और भी बता रहा हूं, सारे विश्व में विख्यात है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बड़े बड़े विश्व में घटना हुई है, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार टू, वैसे ही एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुई है फ्रांस में। तो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रारंभ हुआ था 1789 में, और 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में काफी उथल पुथल रहा, काफी क्रांति हुई, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए, और वहां के क्रूर शासक का अंत हुआ। वो जो क्रूर शासक का अंत हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जो प्रजातांत्रिक उस समय नेता थे उन्होंने जो रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति लाई थी, क्रांति लाने का श्रेय सब उनको जाता है। तब से फ्रांस में, जैसे हम लोग यहाँ 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं स्वाधीनता दिवस, वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसका नाम दिया जाता है, वहां खूब उसकी धूमधाम से मनाया जाता है, और 1789 में वो हुई थी आरंभ, 1799 में खत्म होगी। लेकिन वो लोग आज भी 1789 के हिसाब से 1989 को उसको 200 साल के हिसाब से मनाए थे, डबल सेंचुरी हुई थी 1989 में। वो 1989 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी निमंत्रण मिला था, और राजीव गांधी अपने सारे लाव लश्कर के साथ, इसमें इंदिरा गांधी, इसमें सोनिया गांधी भी थी उनके साथ, पूरे मतलब पूरे एक जहाज भर के, हवाई जहाज भर के लाव लश्कर के साथ, मतलब अपने उसके उनकी वाइफ जो है सोनिया गांधी भी गई थी, और साथ में अनेक मीडिया के लोग भी गए थे। उन दिनों परंपरा थी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री कहीं विदेश, बड़े विदेश दौरों पर जाता था, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देशों में, तो यहाँ से जहाज भर कर, हवाई जहाज भर कर, मतलब कुछ ऑफिशियल जाते थे, विदेश मंत्रालय के लोग जाते थे, पत्रकार लोग, उनके जो पसंदीदा पत्रकार उनको भी ले जाया जाता था। उन दिनों मतलब आज के जमाने के हिसाब से तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तो थी नहीं, उन दिनों प्रिंट मीडिया थी, और आरंभ जो हमारे देश में मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, टीवी चैनल वगैरह, वो आरंभिक दौर था 1989 की मैं बात कर रहा हूं, आज से 34 साल पहले की। तो उस 34 साल में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक पूरी मीडिया की टीम, अपने ऑफिशियल टीम, पीएमओ की ऑफिशियल टीम, विदेश मंत्रालय की टीम,
वे स्वयं एवं मैडम सोनिया गांधी, ये लोग सबके सब वहां पर गए थे फ्रांस गवर्नमेंट के इन्विटेशन पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 202 शताब्दी समारोह मनाने के लिए, डबल सेंचुरी इवेंट को मनाने के लिए। वहां क्या हुआ ये सबसे बड़ा मजेदार बात है। और एक बात मैं आपको बताऊं, उस समय जो हमारे देश में जितने भी, जैसे अभी 29 राज्य हैं, उस समय भी जितने राज्य थे, हर राज्य से विशेषकर एक दो पत्रकार उसमें ऑफिशियल टूर में जाते थे। और चूंकि राजीव गांधी का शासन था या कांग्रेस का शासन था केंद्र में, उड़ीसा में भी कांग्रेस का शासन था, तो उस समय वहां भारत सरकार की तरफ से, यहाँ हमारे जो है संवाद के जो एडिटर हैं सौम्य रंजन पटनायक, जो आज भी एडिटर हैं, उस समय भी एडिटर थे और आज भी एडिटर हैं सौम्य रंजन पटनायक, वो वहां गए थे। वर्नाकुलर प्रेस, मतलब जो इंग्लिश वाले जो गए थे, इंग्लिश पत्रकार जो इंग्लिश अखबार वाले जो गए थे वो गए थे, साथ में भारतवर्ष के हर स्टेट से भी एक दो पत्रकार लोग गए थे। उसमें उड़ीसा से उड़िया लैंग्वेज के पत्रकारों में सौम्य रंजन पटनायक गए थे संवाद के एडिटर के हिसाब से। वो उसमें प्राइम मिनिस्टर पैनल में, सब पत्रकार पैनल में इनका नाम था और ये गए थे। क्यों लेके गए थे ये लोग, मतलब प्राइम मिनिस्टर के इनके टूर में इसलिए लेके गए थे कि भाई वहां से फिर इनको सारा साजो सामान जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होता है इनको पत्रकारों को सब उपलब्ध कराया गया था, क्योंकि वहां से वो जाके वहां से वो मिनट मिनट का रिपोर्ट करेंगे, यहाँ भेजेंगे, अपने मीडिया में छपेगा, तो उस समय जो देश का जो प्रधानमंत्री होगा उनको हाईलाइट्स मिलेगा। अपने हिसाब से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वहां यहाँ के पत्रकार लोगों को वो भर भर के लेके जाते थे जहाज में। लेकिन उस समय की एक ऐसी घटना हुई जो शर्मसार करने वाली है भारत के लोगों को, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के साथ घटित हुई है। तो प्रधानमंत्री को सम्मान किया जाता मतलब पूरे देश को सम्मान, और प्रधानमंत्री को अपमान होता किया जाता तो पूरे देश का अपमान है। उसी हिसाब से उस समय के जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने दो जगह व्यवस्था खाने पीने की रखी थी, दो जगह भोजन की व्यवस्था रखी थी। वो क्या व्यवस्था है, जितने भी अंडर डेवलप कंट्री, उसमें समझिए सारी अफ्रीकन कंट्रीज और मैक्सिमम एशियन कंट्रीज जो भी थी, वो सबके लिए भोजन की व्यवस्था अलग थी। अंडर डेवलप कंट्री, और भारत भी अंडर डेवलप कंट्री में गिना जाता था फ्रांस सरकार के नजरिए से, तो इंक्लूडिंग इंडिया, तो भारत समेत एशिया में जितने भी अंडर डेवलप कंट्री थे और अफ्रीका में पूरा सारा अंडर डेवलप कंट्री, सारों के लिए भोजन की व्यवस्था फ्रांस सरकार की तरफ से ऑफिशियली अलग व्यवस्था की गई थी। और दूसरों के लिए, मतलब जो G7 कंट्री है, वो G7 में आते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा इत्यादि, उन लोगों के लिए अलग खाने की व्यवस्था। मतलब देखिए, जिस फ्रांस सरकार के निमंत्रण पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने पूरे राजीव गांधी पूरे लाल लश्कर के साथ गए थे, पूरी हवाई जहाज भर के गए थे, पूरी भारत की उस समय की जो मीडिया थी उनको भर भर के लेके गए थे, उसमें हिंदी मीडिया, हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और सारी स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज के अखबार, वो सब लोग भी गए थे और सबको मालूम है ये बात। और कितना बड़ा अपमान हुआ ये, जैसे ही ये खबर भारत में पहुंची, या बहुत हल्ला गुल्ला हुआ भारत में। ये तो भारत का सरासर, ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, ये सरासर संपूर्ण भारतीयों का अपमान है, करोड़ों देशवासियों का, भारतवासियों का अपमान है। ये अपमान की घूंट पीकर भी राजीव गांधी वहां से वापस आ गए, मतलब खाना खा के, जो उनका 2-3 दिन का जो प्रोग्राम था, घूम फिर के खाना खा के ये वापस आ गए। और भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपमानित ही किया। उन्होंने वहां प्रतिवाद भी किया है, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है, भारत सरकार से प्रतिवाद भी किया गया कि भाई ये सब भेदभाव क्यों, G7 के लिए अलग अलग जगह में भोजन की व्यवस्था, और बाकी दूसरे जो सारे विश्व में करीब 210 कंट्री हैं, बाकी के लिए अलग से व्यवस्था, 190-192 कंट्री के लिए अलग से व्यवस्था, G7 के लिए अलग से व्यवस्था, ऐसा क्यों? प्रतिवाद भी किया, लेकिन इनकी कोई प्रतिवाद, इनका कोई ऑब्जेक्शन, इनकी कोई कंप्लेन की कोई सुनाई नहीं हुई। ये तो 1989 के मैं कांग्रेस के राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल की बात बता रहा हूं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कल ही वहां नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पाए हैं, और वहां के नेशनल डे, बासिल डे में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अब आप देखिए,
1989 से लेकर 2023 में कितना फर्क आया है। 11 और 23 साल में भारत की राजनीति पूरा फुल सर्कल घूम गई है 360 डिग्री। कहां भारत को उस समय अंडर डेवलप कंट्री माना जाता था और आज भारत की पांचवी, भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कितनी बड़ी ताकत हो गई है भारत की, इसी से अंदाज कीजिए आप। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया अपने नेशनल डे में। इसके अलावा भारत की तीनों फौजों की टुकड़ियां भी वहां गई, वहां के नेशनल परेड में शामिल हुई। ये भारत, संपूर्ण भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और उस समय जो काम हुआ था 1989 में, जो आज जो कांग्रेसी लोग चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं ये जो गए थे वो कुछ नहीं, यहाँ पर अभी क्या है, जो मतलब देशद्रोही मीडिया है या लुटियन दलाल है वो लोग अभी बोल रहे हैं यहाँ दिल्ली में भी पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ रखी है और प्रधानमंत्री मौज मजलिस करने के लिए फ्रांस गए हुए, पेरिस गए हुए। अरे भैया, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत का स्वार्थ देखना, भारत के मान सम्मान को देखना वो उनका प्रथम जिम्मेदारी है। और यहां बाढ़ जो आ रखी है दिल्ली में, तो बाढ़ का जिम्मा तो दिल्ली की सरकार के ऊपर है, तो वहां चूंकि यहां बाढ़ आ रखी है तो भारत के प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। देखा, फ्रांस ये तो गई, मतलब केवल एक जबरदस्ती फॉल्स में नैरेटिव चलाने के लिए प्रधानमंत्री के विरोध में, एक्चुअली डायरेक्ट तो देश का नाम लेकर विरोध नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के आड़ में, मोदी के आड़ में देश विरोधी काम ये लोग लुटियन दलाल, लुटियन पत्रकार, दलाल पत्रकार लोग कर रहे हैं आजकल। अब मैं और एक बात बता रहा हूं, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हम लोग सब जानते हैं कि रसिया हमारा एक फेयर वेदर फ्रेंड है। इसका मतलब हमारा हिंदी में साफ साफ है कि सदाबहार दोस्त, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी संकट आए भारत पर, जैसे चार बार पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध में 1948 में, 65 में, 71 में, 99 में, चार बार हमारे पाकिस्तान के साथ में जंग हुई है, एक बार चाइना के साथ में जंग हुई है, ये चारों पांचों जंग में रसिया का संपूर्ण समर्थन भारत के साथ था। इसलिए पहले उस समय यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रसिया, आज वो खंड विखंड हो गया है, केवल रसिया ही है, लेकिन तो भी रसिया हमारा उसमें बड़ा पार्ट रसिया का ही था। और वही रसिया जो पुराना रसिया है, वही रसिया हमारा उस समय भी फ्रेंड था और आज भी फ्रेंड है। और हमारे भारत की रक्षा उपकरणों का, साजो सामान जो भी जरूरत होता है, 60% हम लोग आपूर्ति करते हैं, हमको रसिया से ही लेना पड़ता है, रसिया से ही ले रहे हैं 60%, 60%, और बाकी 40% जो अच्छा उपकरण, अच्छा सामान जो जरूरत होता है हम लोग दूसरी दूसरी कंट्री से भी लेते हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है इत्यादि। तब अभी लेकिन और एक बात यह है कि करीब 1.5 साल से रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, उसमें रसिया के जितने भी सब हथियार थे प्राय सब जो मीडिया में जो खबर आती है, बाकी तो अंदर की सामरिक खबर जो है, मिलिट्री खबर 100% तो सच्ची आएगी नहीं, आती भी नहीं है, लेकिन जो मीडिया में जो जितनी हम लोगों के पास पहुंची है खबर, उसके आधार पर मॉस्को का, मतलब रसिया का स्टॉक काफी कम हो गया है हथियार का, उसको भी हथियार अभी जरूरत पड़ी। जो हथियार को सप्लायर था सारे विश्व में, अमेरिका और रसिया ये दोनों बड़े सप्लायर हैं सारे विश्व में हथियारों के, जो हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर में से एक है, उस रसिया को आज के दिन हथियारों की कमी हो गई है, क्योंकि कंटिन्यूअस वार वहां 1.5 साल से चल रहा है यूक्रेन के साथ में रसिया का। तो हम लोग अपनी ये जो चीज है, डिफेंस वाली जो चीज है, अपने रक्षा सुरक्षा के लिए भारत, उस तो अपना सप्लाई लाइन एक दूसरा एक चैनल भी रखेगा, और वो चैनल रखा हुआ भी है। आज से 25 साल के नीचे हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1998 में राजस्थान के पोखरण में एटम बम का विस्फोट किया था, परीक्षण किया था, विस्फोट नहीं परीक्षण किया था, और वो भी दो बार, एक बार पहली मई महीने की बात है, तो मई 1998 में जब एक पहले दिन जितने एटम बम परीक्षण हुआ था उसके एक दो दिन के बाद फिर दूसरा परीक्षण भी, दूसरे दिन भी परीक्षण हुआ, वो परीक्षण में इतनी आग बबूला अमेरिकी सरकार, वो G7 कंट्रीज
और बाकी यूरोपियन यूनियन सारे के सारे के सारे आग बबूला हो गए कि भाई अमेरिका को इतनी आग लगी, वो बोला ये तो जैसे हमारा एकाधिकार है, ये भारत कैसे एटम बम परीक्षण कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो उन्होंने भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिया, पूरा यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल हो गया, कनाडा उसमें शामिल था, G7 कंट्री में कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल थे उस समय। जितने भी बड़े बड़े साधन संपन्न देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, सारे के सारे भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। भारत सरकार ने एटम बम का जो परीक्षण किया था उसके खिलाफ। अकेला यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक ऐसा देश था जो अमेरिका के खिलाफ गया, भारत के साथ खड़ा रहा और अमेरिका के जो प्रस्ताव जो सैंक्शंस के साथ में नहीं खड़ा हुआ और भारत का समर्थन भी दिया। तो जो 1998 के एटम एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट के एटम का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस मुद्दे पर जो फ्रांस सरकार ने जो नैतिक समर्थन भारत सरकार को दिया, उसको हमारे भारत के हिसाब से और डिप्लोमेसी के हिसाब से वो बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रही और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उसी समय कायम हुई दोनों देशों के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो अभी जो नरेंद्र मोदी गए थे वो 25 उसका सिल्वर जुबली था। फ्रांस और भारत की जो दोस्ती की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबली भी मनी, क्यों अभी 2023 चल रहा है, 1998 से ये दोस्ती मतलब प्रारंभ हुई थी, जो 25 साल में काफी रंग रही है, प्रगाढ़ता इसमें कायम हुई है। इसी दोस्ती 25 साल की दोस्ती को सिल्वर जुबली मनाने के लिए भी फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। अब क्या है कि चूंकि रशिया और यूक्रेन का वार करीब 1.5 साल से चल रहा है, रशिया में भी अभी हथियारों की काफी कमी हो गई है, तो कल को कुछ खुदा न खास्ता कुछ चीन से या पाकिस्तान से कुछ भी 19-20 हो जाए तो हमारे यहाँ हथियार का तो एक बड़ा टोटा हो जाएगा, बहुत समस्या आ सकती है। तो एक सप्लाई लाइन अलग से होनी चाहिए, उस हिसाब से भी मोदी जी अपनी एक और एक सेकंड सप्लाई लाइन को तैयार रखने के लिए भी फ्रांस गए थे। एक और बात है इसमें कि हमारे जो जंग हुई थी 1965 में 1971 में पाकिस्तान के संग, उस समय हमारे पास तो कोई युद्ध मतलब आज से ना भारत के पास तेजस अपना फाइटर प्लेन है, अभी हाल में हुआ है कुछ साल से, लेकिन उस समय 1965 के टाइम में 1971 के समय में तेजस प्लेन था ही नहीं, तेजस हवाई जो युद्ध जहाज था ही नहीं हमारे भारत में। उस समय हमारे भारत में जो फाइटर प्लेन जो थी उसमें जो चंद फाइटर प्लेन थी उसमें से एक फाइटर प्लेन का नाम है मिराज, वो मिराज भी फ्रांस सरकार द्वारा आया भेजी गई थी, भारत सरकार ने उसको आयातित की थी, और वो मिराज भी 1965 में और 1971 में अमेरिका की युद्ध प्लेन जो भी थी फाइटर प्लेन, पाकिस्तान जो लड़ा था अमेरिकन प्लेन से, उसको फ्रांस की तरफ से जो दी गई यहाँ पर जो हम लोग खरीदे थे मिराज, उसने अमेरिकन प्लेनों को भी काफी पटकनी दी, मतलब एक टेस्टेड फ्रांस का। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है जैसा रूस हमारा एक सदाबहार दोस्त है पिछले 70-75 सालों से, उसी तरह फ्रांस भी हमारा करीब 50 साल से बहुत अच्छा दोस्त है और पिछले 25 साल से तो हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और अच्छा मित्र भी है। ये हुआ फ्रांस की बात। अब क्या है कि हम लोग जो युद्ध वाली जो बात है, हम लोग तो एक्चुअली उसमें ये अमेरिका के ऊपर तो कभी भरोसा कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अमेरिका ने आज तक जितने भी भारत के साथ में जंग हुए हैं पाकिस्तान के, हमेशा अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान के साथ दिया है। कभी भी चाहे यूनाइटेड नेशन में हो, यूनाइटेड नेशन के बाहर हो, हथियारों की सप्लाई का मामला हो, कभी भी अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया चारों जंग में। और भारत का साथ नंबर वन में दिया है रशिया ने, नंबर टू में दिया फ्रांस ने। तो इसलिए अमेरिका मतलब आज फ्रांस के साथ में हमारे जो स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें दोनों देशों का हित जुड़ा हुआ है और दोनों देश ही कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस भी हमारा टेस्टेड एंड ट्राइड फ्रेंड है, जैसा रशिया था रशिया है वैसा ही फ्रांस भी हमारा दूसरा टेस्टेड एंड ट्राइड और विश्वसनीय दोस्त है। और एक बात खास उसमें बताना चाहूंगा कि जैसे पिछले बार के 2019 की
जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके करीब 1 साल 1.5 साल पहले राफेल का राजीनामा हुआ था, राफेल एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में। उस समय हमारे जो देश के जो विरोधी दल के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने खूब सारा प्रचार प्रसार किया लोकसभा के चुनाव के 1 साल पहले, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सारे पब्लिक मीटिंग में बोलते थे मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। राफेल को लेकर वो बारंबार बारंबार माने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा कि राफेल में कुछ कमीशन का कारोबार हुआ है करोड़ों आदमों का। जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और राहुल गांधी कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे हैं कि जी हाँ मैं और कभी ऐसी गलती करूंगा नहीं, अब की बार मुझे माफ कर दीजिए। मतलब राफेल जो पिछली बार जो 36 राफेल 2017-18 में जो खरीदी गई थी उसके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जो अपप्रचार किए, दुष्प्रचार किए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसमें फिर जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी ने वहां कान पकड़ के माफी मांगी, एफिडेविट दी है जी लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट में कि मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ किया जाए। अब लेकिन वही राहुल गांधी अब क्या करेंगे, अब फिर आ रहा है 2024 का चुनाव, वही राफेल, उस समय 36 राफेल का सौदा हुआ था और अभी 26 राफेल का हुआ है। उस समय एयरफोर्स के लिए राफेल की जरूरत थी, अभी इंडियन नेवी के लिए जरूरत है। अभी जो इंडियन नेवी की बड़ी बड़ी शिप बन रही है और बनी हुई है उसके ऊपर ये राफेल जो अभी 26 राफेल के बारे में जो कल सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्री में भारत और फ्रांस के बीच में, 90,000 करोड़ का सौदा, उस समय हुआ था 56-57 हजार करोड़ का सौदा, अब की बार हुआ 90,000 करोड़ का सौदा, उसमें 26 राफेल आएंगी लोडेड राफेल जिसमें सारे हथियार वगैरह है और 3 पनडुब्बी आएंगी सबमेरीन जो स्कॉर्पियन जो विश्व की बेहतरीन पनडुब्बियों में है स्कॉर्पियन, वो आएंगे 3 और 26 राफेल आएंगी। वो 26 के 26 राफेल इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी का जो शिप है बड़ी बड़ी उसमें डेक होगी, जैसे यहाँ पर रनवे होता है एयरपोर्ट में बड़ी बड़ी शिप में वैसे डेक बड़े बड़े होते हैं जहां पर 1, 2, 4 फाइटर प्लेन भी उतर सकते हैं, वहां हंगर में वहां रह सकते हैं घंटों कई दिनों तक। उसी हिसाब से व्यवस्था में वो राफेल यहाँ पर भारत की जो रक्षा नेवी की जो व्यवस्था है जहाजें हैं उस जहाज के छत के ऊपर वो हमारे यहाँ पर राफेल 26 राफेल इंडियन नेवी के लिए स्पेशली वो आ रही है और ये 3 सबमरीन भी आ रही है पनडुब्बी जिसको हिंदी में बोलते हैं। पनडुब्बी वो वर्ल्ड क्लास है, फाइटर प्लेन जो राफेल है वो भी वर्ल्ड क्लास है। इसके साथ में खूबसूरती ये है कि इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा भारत में। पहले जो कांग्रेस के जमाने में जितने भी हथियार यहां पर खरीदे जाते थे भारत सरकार के द्वारा, एक भी चीज का इवन कोई स्पेयर पार्ट्स का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां नहीं होता था। अब जो मोदी जी जो सब कर रहे हैं, जैसे अभी अमेरिका में भी जो गए हैं वहां पर जितने रक्षा सौदा हुआ है, डिफेंस डील हुई है, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है, और अभी जो फ्रांस के साथ में जो कल हुई है उसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है। अर्थात हमें अपनी जरूरी जो साजो सामान, रक्षा सामान जो तुरंत चाहिए वो भी हम ले रहे हैं, हमारी शर्तों पर ले रहे हैं, आधुनिकतम वर्ल्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत भी आगे 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 बढ़ रहा है। इस तरह हम लोग अगर देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, फ्रांस की यात्रा, काफी सफल यात्राओं में हम गिनेंगे और सफलतम यात्रा में भी बोल सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, और आप सबसे अनुरोध है कृपया हमारे क्रांति उड़ीसा मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाइए। वंदे मातरम, जय हिंद।